कोई ना कोई तो रुकेगा। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच में। अरे आज भाइयों मैं हूँ मोदीपुर में, यहाँ पर जो है भाइयों मेला लगा हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो आज मैं हंसवाड़ों के स्टॉल पर हूँ। तो भाइयों काफी किसानों के हमारे पास में फोन भी और कमेंट भी आते हैं कि हंस इम्प्लीमेंट जो है हमारे मेरठ का नंबर वन है, तो इनके कृषि यंत्र भी दिखाओ। आज जो है भाइयों इनके यहाँ पे जो भी इसके बाद तो कृषि यंत्र हमारे गन्ना संबंधी या किसानों के संबंधी होंगे वो सारी चीज दिखाई जाएगी। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी दी जाएगी आज आपको। तो सबसे पहले मैं मिलवा दूँ एक बार भैया जी से। ठीक है जी, आज क्या हाल है भैया जी? भाई साहब नमस्कार, बहुत बढ़िया, आप बताइए आपके क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। तो अपने किसान भाइयों के लिए आज जो आपके कृषि यंत्र है हंस के, हंस से जानने माना ब्रांड है हमारे मेरठ का, ठीक है जी, तो उसके बारे में अपने किसान भाइयों के लिए आप जानकारी दो जी। तो पहली बात तो मैं स्वागत करूंगा अपने स्टॉल पे, मैं हंस इंजीनियरिंग से संकेत बोल रहा हूँ जी। जी मैं स्वागत करूंगा सबका जी। और कुछ हम लोग नए यंत्र लेके आए हैं आपकी बात जी, जो पुराने यंत्र आप पिछले 50 साल से यूज कर रहे हैं जी, जी वो तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ नई चीजें आपको दिखाएंगे जी, सोचते हैं आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे और आप हमसे लेंगे जी। जी सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे ये है ईक जोतने वाला। अच्छा भाई, और 30 इंच की गन्ना जुताई है, रोटावेटर। हाँ जी, गन्ना जुताई सब पे मिलेंगे जी, एक जी। फर्क है। हाँ जी, जी हमने आगे कल्टीवेटर की तरह, जैसे आपका 15 वाला कल्टीवेटर होता है जी, जी, जी। उसकी तरह हमने फाली भी लगा दी है। अच्छा अच्छा, फाली लगा दी। हाँ जी, बहुत अच्छा जी, बहुत। इससे आपको एक फायदा होगा जी, एक तो ये बैठेगा बढ़िया। हाँ जी, एक खरपतवार नहीं फंसेगी जी। जी अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो ये 28 से 30 इंची की जो गन्ना बुआई कर रहे हैं अभी हमारे किसान, उनके लिए है। उसमें दूसरा तरीका है, बीच वाला सिस्टम निकाल दीजिए, जो आपकी ये शाफ्ट है ठोस है वहाँ से वहाँ तक। अच्छा अच्छा, आप बीच वाला सिस्टम निकाल देंगे तो आप इसे चाहे तो ट्रेंच में भी यूज कर सकते। अच्छा अच्छा, बीच का शाफ्ट यहाँ से खुल जाएगी तो बीच का बंद हो जाएगा, शाफ्ट नहीं खुलेगी बस ये। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये बीच का पीस निकल जाएगा यहाँ से, बीच का पीस निकल जाएगा, ये ट्रेंच का हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। दूसरे लोगों ने क्या नहीं करा, हमने क्या लग किया है जी, होता क्या है कुछ समय बाद ये नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। ठीक है जी, ये नट बोल्ट ढीले होने के बाद जो आपकी ये ये आपका आगे पीछे होने लगता है, मतलब वाइब्रेट होने वाइब्रेशन लगता है। हमने यहाँ पे आपका स्क्रू टाइप सिस्टम लगा दिया। ठीक ठीक, ये दे जितना आप चूड़ी चढ़ाओगे बस उतना ही होगा। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे टाइट कर दोगे, इसके बाद ये एक सूत, अगर ये भी ढीला हो गया हाँ जी, तो आपका ये ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना उधर जाएगा। बहुत अच्छा जी, तो ये बदलाव। और तीसरी बात, सारे के सारे उसमें गियर है जी, जी जी, सबका अपना गियर है। आपका इसमें 4 जगह तेल पड़ता है। अच्छा, 3 तो इस जगह और मेन एक पीटीओ की जगह। अच्छा, एक पीटीओ की जगह भी डलना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसकी क्या कॉस्ट रखी आपने? ये 1,45,000 रुपए आज की डेट के। अच्छा अच्छा, रेट है भैया जी जी। छूट वगैरह का? छूट तो देखिए ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से जी, छूट आपको अपने ब्लॉक से या कृषि विभाग से लेनी पड़ेगी, हम कागज पूरे करके देंगे। ठीक है जी, आप बिल दो, छूट आपके अकाउंट में आएगी। हाँ जी, और भाइयों इनका देखो ये मंजा भी बिल्कुल नए मॉडल का बनाया हंस ने, ये देखो भाई। ये मंजा हम कहते हैं 360 डिग्री। अच्छा 360 डिग्री, बहुत बढ़िया जी। जिस एंगल में चलाना हो, अच्छा, उल्टा अच्छा। चलाना है, सीधा चलाना है, कहीं भी आपको चलाना है, सब जगह सुराख है, वहाँ पे 2 पिन डालिए। हाँ जी, और वहाँ पे आपका जाम हो गया, आपने ट्रैक्टर से जोड़िए। आप सोचिए जी जी कि यहाँ छोड़ दो। हाँ जी, यहाँ छोड़ दो। अब आपको अपने सीधे हाथ में मिट्टी डालनी है। ठीक है जी, आपने इसे यहाँ पे जाम कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपने ट्रैक्टर से जोड़ लिया। ठीक है जी, जब आपका ट्रैक्टर सीधा चलेगा तो ये मिट्टी सीधे हाथ पे डालेगा। अच्छा अच्छा, अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर लो। ठीक है जी, ठीक। किसानों को ये दिक्कत आती थी जी, फ्रंट का चाहिए, बैक का चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। या फिर मुझे बहुत से किसानों की ये दिक्कत थी जी, मेरा खेत ऊंचा नीचा है, सीधे हाथ पे डालनी, उल्टे हाथ पे डालनी, जहाँ चाहे वहाँ एडजस्ट कर। बिल्कुल बिल्कुल, 25,000 रुपए कीमत है। 25,000 दो क्विंटल के आसपास में वजन होगा, 2 क्विंटल वेट है। अब इधर आ जाइए, ये भाई हो गया रोटावेटर, इसका स्मॉल सीरीज बोलते हैं हम लोग, स्मॉल सीरीज में। ठीक है जी, तो ये ट्रेंच भी दीजिए करने के लिए अपने हंसवाड़ों को। तो आपका 15 से 25 का ट्रैक्टर है उसके लिए है ये। अच्छा, 15 HP से 25 HP के लिए। 15 से 25। ठीक है जी, जो छोटे ट्रैक्टर आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये कितने इंच चौड़ाई है जी इसकी? इसकी 4 फुट चौड़ाई है। 4 फुट चौड़ाई है, 20 ब्लेड है। 20 ब्लेड लगभग कवरेज है 4.25 फुट की करता है। 4.25 फुट की। इसमें एक जो अलग बात है जी, वो बात ये है कि और सबके जो मिनी सीरीज के रोटावेटर आते हैं जी, उसके मल्टी स्पीड गियर बॉक्स नहीं आते। अच्छा अच्छा, वो वाला सिंगल स्पीड गियर बॉक्स आता है। अच्छा, सिंगल गियर बॉक्स।
ये मल्टी स्पीड है, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा जी? कि आपके जो भी आपने किसी भी ट्रैक्टर पे लगाया जी, अगर वो लोड मान रहा है जी, तो मैं इसकी गराड़ी चेंज करके इसके चक्कर कम कर सकता हूँ, जिससे वो लोड ना माने। ठीक ठीक, उसमें नहीं बदला जाएगा जी? हाँ जी। इसकी क्या कीमत है लगभग? ये 60,000 रुपए का है बाबू जी, वो 55,000 रुपए। अच्छा अच्छा, 4 फुट है दोनों? हाँ दोनों है सेम। हाँ जी, बस गियर बक्से का फर्क। ठीक ठीक, तो भाइयों हंस का रोटर वेटर हो गया, और भाइयों ये हो गया इनका नौ फाड़ का टीलर। ठीक है जी, नया मॉडल 11 का है जी। नौ में मिल जाएगा ना? हाँ नौ का मिल जाएगा। ठीक है जी, पुराना जो आप देखते आ रहे हैं टिलर, ऐसी डिजाइन हम बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो टिलर तो हम नहीं लाया है। हाँ जी, बट ये टिलर हमने खुद इन्वेंट किया है, बनाया है जी। इसे हम बोलते हैं नो मेंटेनेंस टिलर। नो मेंटेनेंस टिलर, ठीक है जी। उसका कारण है जी, जो उसकी टेक्नोलॉजी होती है उसमें जब भी आपका टाइम पे लोड पड़ता है वो पीछे खींचती है। अच्छा अच्छा, तो उसकी स्प्रिंग खुलती है जी जी, इसकी दबेगी, इसकी दबेगी। ठीक है जी, सस्पेंशन है इसमें एक तरह। अच्छा सस्पेंशन, हर एक के साथ एक जी सस्पेंशन जी लगाया हुआ हमने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ तो जब ये खुलेगी ये दबेगी, ये सब रेलवे की स्प्रिंग है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना जी। हाँ जी, और इसमें मेंटेनेंस के लिए ये हम बोलते हैं सेफ्टी बोल्ट। अच्छा, सिर्फ ये है, ये बोल्ट है बस एक। हाँ, वो भी सिर्फ इसलिए लगाया है कि कहीं जड़ में अड़ जाए तो ये टूट के, हाँ जी, ये फ्री कर दे, आप दोबारा बोल्ट डाल दीजिए, नहीं तो ये ट्रैक्टर को या इम्प्लीमेंट को ज्यादा नुकसान, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, तो 11 फाल 10 का है जी। हाँ, 11 10 की लगभग क्या कॉस्ट है जी? 11 10 का है 49,000 का। और जो 9 10 का है जी? वो 40,000 रुपए का, ये वाला सेम 40,000। आप इसका देखिए जी, जी ऊपर से देखिए, जो यहाँ से पूरी शाफ्ट डाल रखी है जी जी। बिल्कुल, तो भाइयों ये हो गया इनका कल्टीवेटर नौ फाड़ वाला, और भाइयों यहाँ पर आ गया हंस वालों का ये, इसे बोलते हैं खाद वाला रिजर्व, फर्टिलाइजर डालने वाला। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, इसके साथ ये फायदा है कि जब आप ईग बोगे, हाँ जी हाँ जी, जब गूल निकालेगा तो साथ के साथ, हाँ, फर्टिलाइजर डालते चलेगा, खाद भी डालते चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जो कीमत है वो 40,000 रुपए। अच्छा 40,000 रुपए। हाँ जी, और ये मार्का वगैरह देखो लग रहा है इसमें, मैं थोड़ा अंदर से भी दिखा दूं भाइयों, ये देख लो। ठीक है जी, इसका एक बड़ा फायदा मिलता है कि जितना हमें फर्टिलाइजर डालना बिल्कुल एक्यूरेट डल जाता है। ठीक है जी, और ये इनका हो गया 30 इंची गन्ना जुताई के लिए, 15 वाला ईग जोतने वाला। अच्छा अच्छा, 15 वाला ये, हाँ, वाला। ये जो गूल होती हैं जी जी, 3 गूल लेके चलता है, 5 5 5 की, जैसे पहले भैंसे वाले कल्टीवेटर चलते थे। हाँ जी हाँ जी, वैसे चलता, उसकी जगह अब ये 3 गूल लेके चलता है ये ट्रैक्टर का। एडजस्टेबल, इसे किसान भाई हमारे ट्रेंच के गन्ने में चला था, बीच का खोल दो। ठीक है, आप बस, हाँ जी, बीच का खोल दीजिए, सुराख इतने हैं, 36 से 36 तक कहीं भी कर लीजिए भाई, सारे में होल है, एडजस्ट कर सकते हो आप इसे कहीं पे भी। ठीक है जी, तो इसकी क्या कीमत है जी? इसकी 29,500 रुपये बाबू, 29,500। इसकी क्या भाइयों, एक चीज और इनके पास ना, हाँ जी, बहुत ही अच्छी, ये देखो भाइयों, प्रेशर वाली हैरो बनाई हंस ने भी। ठीक है जी, इसमें काफी सारे प्रेशर वाली हैरो है जी जी, इसमें आगे चकला लगा हुआ है। अच्छा, आएगी लिफ्ट होके जी, और लिफ्ट होने के बाद जी आप जब वहाँ पे अपने खेत में लेके जाएंगे तो आपको इस हैरो में जी नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, ये आप प्रेशर पंप में लगाएंगे। अच्छा अच्छा, प्रेशर ट्रैक्टर के अंदर। ठीक है जी, और ये प्रेशर पंप आपका खुल जाएगा, जितना आप खोलना चाहते हो उतना खोल सकते हैं। ठीक है जी, और जुताई कर सकते हैं। ठीक, और जब आपको घर लेके जानी हो तो उससे ही अपने लीवर से बंद करिए जी, और घर ले जाइए, उठानी नहीं पड़ती जी, ये चकला है। अच्छा अच्छा, मोड़ को उठानी पड़ेगी, मोड़ को। अच्छा अच्छा, जैसे हमारी पहली एरो उठमा उठानी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, ये उठानी नहीं, ये उठानी नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक, इसमें चकला घूम जाएगा। हाँ चकला, और क्या बदलाव करें जी, थोड़ा सा और बताओ भाई साहब। देखिए पहले क्या होता था जी जी, पहले जो हमारी एक है जो, हाँ, पहले हैरो चलती थी जी, उनका जो यहाँ का वो था वो फिक्स आता था। अच्छा अच्छा, कट जो होता था वो फिक्स आता था कि भाई वो उतनी खुलेगी। हाँ जी हाँ जी, वो वहाँ पे फिक्स होता था। ठीक है जी, इसमें आपको एक फायदा मिलता है कि जितना चाहे आप उतना खोल सकते हैं, इतना बंद कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, वो प्रेशर से ही होगा सब कुछ, है ना? वो प्रेशर से होगा। हाँ जी, और दूसरी बात जी, जैसे आप प्रेशर से चलाएंगे, आपकी मोड़ पे हैरो घूमेगी, हाँ जी, तो आपका जो ऊपर की टॉपलिंक है जी, टॉपलिंक मुड़ने की दिक्कत रहती है, तो हम लोगों ने ये भी बिल्कुल फ्री कर, ये भी फ्री कर दिया। फिर बहुत अच्छा, टॉपलिंक के हिसाब से ही अपने आप घूम जाएगा, अपने आप बीच में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी क्या कॉस्ट रखी लगभग? इसकी भाई साहब 14 वाली की 70,000। 14 वाली की 70। और आपके पास में जो पटहरो है पहिए वाली, हो वो उसकी कितनी? और बैरिंग में 14 वाली 72,500 की है। 72,500 की जी। हाँ जी अच्छा अच्छा,
भाइयों ये हो गया देखो सादा प्लाव इनका, ठीक है जी, हंसवाड़ा का एमबी प्लाव हमारे पास रिवर्सिबल एमबी प्लाव भी है जी जी, उसकी फोटो लग रही है। अच्छा अच्छा, आप आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे फैक्ट्री पे। ठीक है जी, ये आपका सादा प्लाव है, 30,000 रूपए इसकी कीमत है। सादे प्लाव का? अच्छा अच्छा, दो टाइनों में है ये जी जी। इसका काम है मट्टी पलटना। अच्छा अच्छा ठीक, मट्टी पलटता है ये और गहराई में मट्टी पलटता है। अच्छा अच्छा, तो भाइयों देख लो अभी जो है काफी कल को और भी इनके इम्प्लीमेंट आएंगे। यहाँ पे सादा तीरा नहीं मंगवा रखा जी, यहाँ पे दूसरे वाला जो आपको फैक्ट्री आना, वो फैक्ट्री आना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी नई चीज है वो बन। हाँ जी लगाइए। तो भाइयों देख लो बहुत ही अच्छा स्टॉल लग रहा है यहाँ पे, और हंस के जो इनके कृषि यंत्र है सारी कुछ जानकारी अभी यहाँ के इंजीनियर साहब ने दे दी। तो बाकी धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। तो भाइयों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। नमस्कार।